नमस्कार, क्या इशू आप भाई? सभी का बहुत हाँ बहुत जी, स्वागत है। आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल, चैनल नंबर 10, और आप हमारे सभी सत्र, हमारे सभी कार्यक्रम आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर भी। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं, रेणु भट्ट। आप सभी का स्वागत, आप सभी का अभिनंदन हमारे इस लाइव इंटरेक्शन में। और अपने सभी देखने वालों को हम बता दें कि ये सत्र हम लेकर आए हैं साइंस के 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, और हमारा आज का टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, और आप ये भी सोच रहे होंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। ये सवाल और आपके मस्तिष्क में आए बहुत ज़्यादा जिज्ञासाओं को और प्रश्नों को शांत करने के लिए हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो चलिए उनसे परिचय लेते हैं। आप हैं प्रोफेसर के शर्मा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अपने सभी देखने वालों को हम बता दें कि सर फॉर्मर वाइस चांसलर हैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी अजमेर से। तो बच्चों, आपके मन में कोई भी प्रश्न आए और आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन कॉल के माध्यम से अपनी सभी क्वेरीज पहुंचा सकते हैं। आप हमें कॉल करेंगे हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800440559, या फिर आप हमें ईमेल के माध्यम से भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आपको अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, तो आप बेझिझक हमसे जुड़ सकते हैं इन दो माध्यमों से। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपका जो पार्टिसिपेशन है हमारे इस लाइव इंटरेक्शन में विद ऑल योर क्वेरीज एंड डाउट्स। और सर, हम आपके पास आएंगे, जैसे हमने कहा कि हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेसेस ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और हमारे हम चाहेंगे कि आप इस चैप्टर को शुरू करें। क्या कुछ आप विशेष लेकर आए हैं हमारे बच्चों के लिए, इस बात के साथ हम शुरू करना चाहेंगे आज का इस सत्र सर। धन्यवाद रेणु जी और सभी ऑडियंस को धन्यवाद जो आप यहाँ सुन रहे हैं। ये कक्षा 10 में क्लास 10 के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज 5th चैप्टर, व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस, जीवन में हमारे क्या क्या प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, उसी के अंदर एक प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो बच्चे जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन, और शुरुआती एक एक्टिविटी से होती है कि यू गो टू योर नियर बाई लोकेलिटी एंड ट्राई टू सी द हीमोग्लोबिन कंटेंट प्रेजेंट एट डिफरेंट एज ग्रुप्स। दूसरा, कहीं वेटनरी हॉस्पिटल है वहां पर भी जाकर देखें कि जो हीमोग्लोबिन, हमारे जो खून का रंग लाल होता है ना रेणु जी, वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, और हीमोग्लोबिन मनुष्य के अंदर जितना होता है उतना ही क्या दूसरे जीव जंतुओं में होता है। इन सारी चीजों की डिटेल्स मैं आज आपके साथ में लेकर आया हूँ, आपकी क्वेरीज के लिए लेकर आया हूँ। हार्ट क्या होता है, कैसे कार्य करता है, तो हम शुरुआत करते हैं। ये देखिए, भले ही हम एक्टिव हो क्लास में, है ना, आप कभी कभी एक्टिव होते हैं और कभी कभी जब पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, परंतु हमारे लाइफ प्रोसेस हैं, ये देखिए, ये चलते रहते हैं। एवरी मिनट, एवरी सेकंड, दीज प्रोसेस आर गोइंग ऑन इन आवर बॉडी। सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते रहते हैं, तो इन सारे फंक्शंस को, जैसे ये मस्कुलेचर दिखाई दे रहा है, स्केलेटन दिखाई दे रहा है, नर्वस सिस्टम दिखाई दे रहा है, ये बहुत सारे सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाई दे रहा है हमारी बॉडी के अंदर, ये बहुत सारे सिस्टम्स हैं, ये दिन रात काम करते रहते हैं। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज रिक्वायर्ड। देखिए, हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, हमें जो फूड प्रोडक्ट्स हमारे इंटेस्टाइन में जाते हैं उनको हमारे सेल्स तक पहुंचाना होता है, तो पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन तो जरूरी होता है ना। कहीं एक पेड़ पर बहुत सारे आम लगे और उसको दूसरी जगह पहुंचाते हैं, तो हम ट्रक की सहायता से पहुंचाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इज देयर। सो दिस इज द प्लेस वेयर ट्रांसपोर्टेशन इज गोइंग ऑन इन अवर बॉडी। ये देखिए, हार्ट दिखाई दे रहा है, ये ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही हैं जो ब्लू कलर की है, दीज आर दी वेन्स, एंड रेड कलर की है, दीज आर दी आर्टरीज। सो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग की एक एक्टिविटी, जिसका मैंने अभी बताया था कि यू विजिट द नियर बाई प्लेस, कहीं हॉस्पिटल में अपन जाते हैं ना, आप देखते होंगे ये ब्लड ड्रेन करते हैं, ब्लड के अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं कि भाई इसका हीमोग्लोबिन कितना है, इसकी आरबीसी कितनी है, डब्ल्यूबीसी। हमारे 10th क्लास के बच्चों को ये सारी चीजें जानकारी होनी चाहिए। अरे मैं, आपने तो बिल्कुल गए नजदीक और पता लगा लिया कि किस तरह की हीमोग्लोबिन की सिचुएशन है। न्यू बॉर्न के अंदर 17 to 22 ग्राम पर डेसीलीटर, 1 वीक का होता है उसमें 15 to 20 डेसीग्राम पर लीटर, 1 मंथ का होते होते थोड़ी कम जरूरत पड़ जाती है 11 to 15, और चिल्ड्रन 11 to 13। ये देखिए, मैंने इनकी ग्रोइंग एज दिखा रखी है, यानी कि शुरू में हमको बहुत ज्यादा जरूरत की हीमोग्लोबिन की होती है, एंड दिस इज ए रियली वेरी गुड इन्फॉर्मेशन जो साइंटिस्ट ने पता लगाया। और फिर मेल और फीमेल के अंदर भी डिफरेंट होता है, एडल्ट मेल नीड्स 14 to 18 ग्राम
पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन को ग्राम पर डेसीलीटर में मापा जाता तो है। सर ये एज से भी, एज फैक्टर भी इसमें काम करता है, इज दैट सो? जी एज फैक्टर काम करता है और एज फैक्टर के हिसाब से रिक्वायरमेंट बदलती रहती है। इसी तरह से मेल और फीमेल में डिफरेंस है। इन द एडल्ट मेल इट इज 14 टू 18 ग्राम पर डेसीलीटर, बट इन द एडल्ट फीमेल द रिक्वायरमेंट इज स्लाइटली लेस, 12 टू 16 ग्राम पर डेसीलीटर। कभी कभी हमारी महिलाएं चिंतित हो जाती हैं कि अरे मेरा तो 12 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन है। चिंता करने की बात नहीं है, इनकी नॉर्मल रेंज है। ये नहीं सोचना चाहिए कि उनके हस्बैंड की तो 18 ग्राम पर डेसीलीटर आया, ही इज इन गुड हेल्थ, बट इट इज द नॉर्मल वैल्यू इन द एडल्ट मेल एंड एडल्ट फीमेल। सिमिलरली बच्चों के अंदर देखिए, हमें बहुत ध्यान देना है कि जब माताएं बच्चों को दूध पिलाती हैं दे नीड मोर आयरन टू प्रोवाइड हीमोग्लोबिन। ये बहुत जरूरी है। आज एक अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ इसके जरिए। और ये हीमोग्लोबिन है, ये जो है ना बीच में, आपने इसमें आयरन होता है और ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल होता है, और ये प्रेगनेंसी के दौरान से लेके एडल्ट की स्टेज तक जो मैंने अभी आपको बताया उसी का एक रिपीटिशन मैंने बताया। जी हम गए सर, वेटरनरी हॉस्पिटल। यहाँ पर मैं आपको आपसे एक सवाल जानना चाहूँगी सर। जैसे आपने बताया कि नॉर्मल एक बेंचमार्क है जितना होना चाहिए हीमोग्लोबिन ह्यूमंस में, जी वेदर दे आर मेल और फीमेल, उनके कैटेगराइज है किया गया। अगर उस मार्क से नीचे हीमोग्लोबिन होता है तो क्या समस्या हो सकती है सर? उस एक डिजीज होती है जिसको एनीमिया बोलते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी। और ये डिजीज नहीं होनी चाहिए, ना मेल में होनी चाहिए, ना फीमेल में, ना बच्चों में होनी चाहिए। और जब भी इस तरह की सिचुएशन आए, हीमोग्लोबिन कम आता है, डॉक्टर को कंसल्ट करें। और डॉक्टर जनरली सजेस्ट करते हैं कि भाई आयरन युक्त तो चीजें लें, या क्या किस वजह से ये हीमोग्लोबिन कम आया। लेकिन हमको इस तरह की सिचुएशन में एनीमिया जब हो जाता है तो अस्पताल जाना चाहिए। अब मैं बताता हूँ कि हम वेटनरी हॉस्पिटल गए, वहां देखा कैटल्स के अंदर, बफेलो के अंदर 12.9 है, हॉर्स के अंदर 11.5 है। घोड़ा कितना तेज दौड़ता है बट हीमोग्लोबिन इज ओनली लेस देन ह्यूमन बीइंग। गॉट के अंदर 10.4 है, शीप के अंदर ज्यादा है 14.4 है। ये वैल्यूज इंडिकेट करते हैं कि डिफरेंट एनिमल्स में, डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स में हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या। अब ये आपके सबके दिमाग में प्रश्न आता होगा कि एक हार्ट अटैक हो गया, हार्ट है, आप बाई तरफ अपने हाथ लगाएं, आप देखेंगे एक दिल धड़क रहा है आपका। ये दिल क्यों धड़कता है? व्हाट इज द नीड टू हैव ए हार्ट इन द बॉडी? ये मैं बताता हूँ, एक छोटा सा मैंने प्रयोग करके आपके सामने दिखा रहा हूँ कि एक बोतल के अंदर, जस्ट इमेजिन दैट दिस इज ब्लड, और इस ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाना है। मैंने एक ब्लैक मार्क लगा रखा है, ये एक्टिविटी बच्चे करके देख सकते हैं। और जैसे ही ये आप देखते हैं कि मैं इस ब्लड को पहुंचाना चाहता हूँ इस मार्क तक, नॉर्मली ये जाता नहीं है, लेकिन देखिए अभी मैंने इसको थोड़ा सा प्रेशराइज किया और ये ब्लड देखो इस मार्ग तक पहुंच गया। देखा आपने कितना खूबसूरत इसे ये हम दिखा सकते हैं कि यदि हम प्रेशर नहीं करते तो पंपिंग इज रिक्वायर्ड। व्हाट इज द नीड टू हैव ए हार्ट? दिस इज द हार्ट। ये दिस इज द पिक्चर आई हैव टेकन फ्रॉम द बुक इन विच डिफरेंट पार्ट ऑफ द हार्ट आर शोन। मैं बहुत सिंपल तरीके से बता देता हूँ, ऊपर एट्रियम होता है, नीचे वेंट्रिकल्स होते हैं। सो दिस इज लेफ्ट लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये आप दिखाई दे रहे हैं, ये वाल्व्स होते हैं हार्ट के अंदर, इनको कंट्रोल करने के लिए ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं। दिस इज एओर्टा जो हमारे पूरे ब्लड, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। इसको और अच्छी तरह मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सी दिस इज द हार्ट, ये पंप कर रहा है आपके अंदर, इसी तरह से पंप कर रहा है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वे ऑफ पंपिंग ऑफ द हार्ट यू कैन सी हियर। और ये निरंतर पंप करता रहता है। ऊपर देखिए ये ऑरिकल्स एट्रियम दिखाई दे रहे हैं, नीचे वेंट्रिकल दिखाई दे रहे हैं। आजकल टेक्नोलॉजी रेणु जी इतनी अच्छी आ गई कि बच्चों को कितना देखिए ये 3 डायमेंशन में घुमा घुमा के हम दिखा रहे हैं कि हाउ द हार्ट इज फंक्शनिंग। इसके बाद में आप यदि देखना चाहें तो यू कैन सी हियर, और ब्यूटिफुल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। हार्ट देखो, दिस इज रियली एक्सीलेंट सिचुएशन। ऑन द राइट साइड वी रिसीव द इम्प्योर ब्लड, ये नीला रंग है ये इम्प्योर ब्लड है, और लेफ्ट साइड में ये प्योर ब्लड है। तो इम्प्योर ब्लड इज कमिंग फ्रॉम एट्रियम एंड प्योर ब्लड इज गोइंग टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो ये भी एक अच्छा एनिमेशन था जिसके जरिए हम ये दिखा सकते हैं कि किस तरह से ब्लड जो है फ्लो करता है। दीज आर द वाल्व्स।
वाल्व जो है ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड को आने देते हैं, लेकिन रिवर्स जाने में मदद करते हैं। ये ऐसा नहीं होता है कि जैसे आपके वाल्व खराब हो जाते हैं तो ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है, मतलब ब्लड जहां जाना चाहिए। देखिए अब ये ब्लड जो है ना, ये डिफरेंट बॉडी पार्ट से इकट्ठा होता है, ये ऑरिकल में और ये वेंट्रिकल में आ जाता है, और वेंट्रिकल से ये प्योरिफिकेशन के लिए लंग्स में जाता है। मैं और इसको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बहुत बढ़िया एक ब्लड फ्लो का 3D दिखा रखा है कि हाउ दी लुक, दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज माय साउंड, दिस इज दी AR टेक्नोलॉजी हैज मेड इट, दिस इज दी हार्ट, यू कैन रोटेट। सी नाउ दी टेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड दैट यू कैन रोटेट दी स्ट्रक्चर इन डिफरेंट डायरेक्शंस, यू कैन अंडरस्टैंड दीज आर दी ऑरिकल्स, दिस इज दी वेंट्रिकल। बहुत खूबसूरत से बता रखा है। ये मैंने खुद ने ये कर्सर चला के दिखा रहा हूँ कि हमने इसको रिवर्स कर दिया। यू कैन सी दी बैक साइड ऑफ दी हार्ट ऑल्सो। सो अल्टीमेट सेंस इज दैट विद द टेक्नोलॉजी वी कैन अंडरस्टैंड। सो दीज आर दी ऑरिकल्स, दीज आर दी वेंट्रिकल्स। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे बहुत इजीली समझ जाएंगे कि ब्लड इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट, कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये देखिए ब्लू कलर दिखा रखा है, और ये हमारे ऑरिकल में ऊपर आता है, राइट ऑरिकल में आया और यहाँ से पंप होके ये राइट वेंट्रिकल में चले जाता है, और फिर इसको ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में भेजा जाता है। देखिए द ब्लड इज गोइंग फ्रॉम द लेफ्ट ऑरिकल टू दी लंग्स, और लंग्स में ये प्योरिफिकेशन के लिए ये यहाँ जा रहा है। देखिए फ्रॉम राइट ऑरिकल द ब्लड इज गोइंग, यू सी इट, पल्मोनरी आर्टरी इसको ले जाती है। रंग नीला है क्योंकि दिस इज इम्प्योर ब्लड, और इट इज कलेक्टेड एंड अल्टीमेटली इट इज कमिंग ऑन द लेफ्ट ऑरिकल। ये बहुत अच्छी तरह जान ले, और लेफ्ट ऑरिकल से वेंट्रिकल के अंदर आता है पंप होकर, और यहां से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। दिस इज द स्ट्रक्चर, द डबल सर्कुलेशन, द ब्लड कम्स इन द हार्ट टू टाइम्स। देयर आर एनिमल्स, देखिए ये मछली है, इसके अंदर सिंगल सर्कुलेशन होता है, ब्लड फ्लोज बहुत ज्यादा इतना विकसित नहीं होता जितना हमारा ह्यूमन बींग्स में होता है। इवन इन द फ्रॉग इट इज नॉट द वे इट इज डन इन द ह्यूमन बींग, बट हियर इन आवर केस इन द ह्यूमन बींग there is a double circulation, heart enters before it goes to different parts of the body, it enters two times, क्योंकि purification lungs में होता है। और कई बार इस तरह की जब valve खराब हो जाते हैं, diseases वगैरह के बारे में रेणु जी हम जानते हैं, हम cardiologist के पास में जाते हैं। So this is also a different comparison that how fish, frog, we human being, the birds, how the double circulation is evolved, मतलब किस तरह से हमारे खून को अच्छी तरह जाना चाहिए। अब मैं आप प्रश्न पूछते होंगे ब्लड प्रेशर, ये बहुत सारे कई कहते हैं मेरे बीपी बीपी की प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे भाई मैं सुबह दवा लेता हूँ बीपी की प्रॉब्लम है। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? इट इज द प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द आर्टरीज वॉल। द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 mm ऑफ मर्करी एंड डायस्टोल प्रेशर इज 80। डायस्टोल माने फैलना, और प्रेशर बनता है 120 जब हार्ट बीट करता है ना, और जब हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट में तो प्रेशर ज्यादा होना चाहिए ना, और कलेक्शन के दौरान में कम होना चाहिए। अब एक सेकंड के लिए कैमरा कृपया इधर फोकस करें, ये मैं मशीन लेकर आया हूँ, ये मशीन जो यहाँ पर दिखा रखे आई एम श्योर दैट द कैमरा इज फोकसिंग। These are the automatic calculating heart blood pressure. आजकल जो है, और इसमें क्या करना होता है कि ये एक coughing situation है, इसको करके आपके सामने एक second के अंदर दिखा देता हूँ। You have to put your देखिए left hand. I hope it is visible. और ये यहाँ पर इस तरह से लगाया जाता है, ये देखिएगा, ये मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, और इसको इस तरह से करके, और फिर इस मशीन के अंदर इसको ट्यूब से कनेक्ट कर रहे हैं, प्रेशर डालते हैं, और फिर ये मशीन कैलकुलेट कर लेती है कि व्हाट शुड बी द ब्लड प्रेशर। और ये ब्लड प्रेशर किस लिए जरूरत पड़ती है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि ड्यू टू हाइपर टेंशन देर इज हिमोरेज इन द ब्रेन, तो हमारे ब्लड प्रेशर
128 जो बताते हैं वो होना चाहिए, और ये मर्करी के अंदर दिखा रखा है, देखो 120 दिस इज सिस्टोलिक प्रेशर एंड 80 दैट इज डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, लेकिन अब बच्चे जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द आर्टरीज, व्हाट आर द वेन्स। आर्टरीज होती हैं, दीज आर द थिक वॉल, इनकी दीवारें थिक होती है, इलास्टिक होती है, मैंने देखो कलर कर रखा है। वेन्स की दीवारें पतली होती हैं और थिन वॉल होती है, बिकॉज ये कलेक्शन का काम करती है, आर्टरी सप्लाई का काम करती है। तो आप जानते हैं ना, देखिए मैं यदि ट्यूब से गार्डन में पानी देता हूँ और प्रेशर लगाता हूँ, तो उसकी जो ट्यूब है पाइप है उसकी वॉल मजबूत होनी चाहिए ना, नहीं तो फट जाएगी ट्यूब। सो आर्टरीज और वेन्स के अंदर जो बेसिक डिफरेंसेस हैं, परंतु ये आर्टरीज और वेन्स अल्टीमेटली एक जगह इकट्ठा होती है जहाँ की हमारे ब्लड को डिफरेंट टिश्यूज में सप्लाई करना होता है। ये मैंने एक बहुत अच्छा ये लिया है, देखिए डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन। आर्टरी की वॉल मोटी है ना और वेन की पतली है, और ये आर्टरीज छोटी छोटी ब्रांचेस में आर्टेरियोल्स में बन जाती है, ये हमारे टिश्यूज हैं, ये जैसे मेरी आंख है, ये मेरा लीवर है या मेरी मसल्स हैं, यहाँ पर ब्लड सप्लाई करना होता है। तो ये कैपिलरीज जो दिखाई दे रहे हैं ये कैपिलरीज सिंगल सेल वॉल थिक होती है, बहुत बारीक पतली होती है, बहुत जल्दी फट जाती है, और यहाँ से एक्सचेंज होता है मटेरियल का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का। The exchange of the material, the food material takes place from the capillary. तो देखिए आप अंदाजा लगाएं कि कितनी बारीक capillaries हैं, और ये capillaries फिर इकट्ठा होके और veins में चली जाती हैं। तो हमारी blood supply हुई, यहाँ oxygen गई, यहाँ food material गया जो कि cells को चाहिए, और यदि carbon dioxide निकली तो उसका collection यहाँ हो जाता है, excretory material निकला इसका collection यहाँ हो जाता है, जो नीले से दिखाई रखा है। और इस तरह के से कलेक्शन करता हुआ वेन्स के द्वारा हमारे हार्ट के अंदर ये ब्लड पहुंच जाता है प्योरिफिकेशन के लिए। अब ये कभी कभी आप ये जानना चाहेंगे, आप भी जानना चाहेंगे कि हमारे कट लग जाते हैं। देखिए मेरे कल एक छोटी सी इंजरी यहाँ पर हुई थी, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर है ना, यहाँ इंजरी हुई थी और एकदम से एक कट लगा और तुरंत ब्लीडिंग के बाद में खून बंद हो गया। तो मैंने सोचा ये ऐसे क्यों हुआ जी, क्या वजह है कि जी ये एग्जैक्टली और ये सवाल काफी बच्चों के मन में आ रहा होगा कि जब कट लग जाता है तो ब्लड कैसे रुकना बंद हो जाता है, सर इसके पीछे क्या कारण है? जी हाँ, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये बहुत बढ़िया मैं चित्र के द्वारा। हमारा ब्लड जो होता है उसमें रेड ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। दीज प्लेटलेट्स डेंगू के अंदर, दिल्ली के अंदर जब डेंगू होता है, प्लेटलेट्स कम हो गए, प्लेटलेट्स कम हो गए, दीज प्लेटलेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये दिखाई दे रही है ना, बहुत छोटी छोटी होती है। आई वुड रिक्वेस्ट माय टीम टू हैव दैट प्रेजेंटेशन ऑन स्क्रीन। सो प्लेटलेट्स का काम होता है कि जब भी कहीं कट लग जाता है तो दे हेल्प इन कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो प्लेटलेट्स क्या करती हैं कि ये इनके बर्स्ट होने के बाद में कुछ ऐसे एंजाइम्स का सीक्रेशन होता है कि जो खून के अंदर उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन है उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देते हैं, फाइब्रिनोजन है उसको फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये फाइबर देखिए ये दिखाई दे रहा है ना ये चित्र में, बहुत बढ़िया मैंने दिखा रखा है। सो ये फाइब्रिनोजन तो अपने डिसॉल्व बहती हुई प्रोटीन है, जब प्लेटलेट्स कट होती हैं और एंजाइम निकल के इनको फाइबर में बना देता है, देखो ये एकदम से रुक गया, अब यहाँ से ब्लड निकल के जाएगा नहीं, अब इसको मैं एक छोटे से वीडियो, ये कट लगा था देखो, ये उंगली में कट लगा है ना, अब मैं इसमें वीडियो बहुत खूबसूरत से दिखा रखा है कि दैट हाउ इंजरी टेक्स प्लेस, और इंजरी होने के बाद में क्या होता है, व्हेनेवर देयर इज इंजरी ब्लड बाहर निकल के आ रहा है, और ये देखो बहुत खूबसूरत है, और ये कट लगा और ये प्लेटलेट्स ने, ये सबसे पहले तो आरबीसी जाके ये खून बहना ये होता है, खून बह रहा है, लेकिन अब ये खून बहने को रोकना है हमको, खून बहने को रोकने के लिए ब्लड क्लॉटिंग की जरूरत होती है जिसमें प्लेटलेट्स मदद करती है, और एक विटामिन की जरूरत है जिसको विटामिन के बोलते हैं। सो प्लेटलेट्स आई, ये बहुत बढ़िया दिखा रखा है अरुण जी, प्लेटलेट्स आई, प्लेटलेट्स की जहां पर बर्स्टिंग हुई वहां पर ये जाके, और ये देखिए दीज प्लेटलेट्स आर हेल्पिंग इन मेकिंग दी फ्लोइंग प्रोटीन फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन, ये बच्चों को याद रखना चाहिए। फाइब्रिनोजन देखिए बहती प्रोटीन जा रही नहीं वाली, ये जा रही सफेद सफेद दिखाई दे रही है, नाउ द फाइब्रिनोजन इज कन्वर्टेड विद द हेल्प ऑफ द प्रोटीन इनटू फाइब्रस फाइब्रिन,
और ये अपना खून बहना बंद हो गया। यदि ये ऐसा नहीं होता तो हमारे कहीं भी कट लगते, उस कट के लगने के बाद में क्या होता कि अल्टीमेटली ये खून बहता रहता और हमारे यहाँ पर हिमोरेज हो जाता। तो इसको रोकने के लिए प्लेटलेट्स मदद कर, ये देखिए ये क्लॉट बन जाता है ना, कई बार आपने देखा होगा, तो ये क्लॉट इस तरह से नहीं बनता है। जहाँ इंजरी हुई थोड़ा खून बहा और ये देखिए ये सारा फाइब्रिन का नेटवर्क है वो खून के बहने को रोक देता है, दैट इज ब्यूटीफुल। अब एक चीज है, कई बार बच्चे कहते हैं मैंने कुछ खा लिया, खट्टा खा लिया, टॉन्सिल्स हो गए गले में, टॉन्सिल, आपके भी मस्तिष्क में सवाल आता होगा कि ये ट्रांसपोर्टेशन संबंधित चीज है, टॉन्सिल्स क्यों होते हैं? तो हमारे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में रेणु जी एक सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है, और ये महत्वपूर्ण है जो हमारे पूरा डिफेंस देता है। ये आपको ये ग्रीन कलर में ये दिखा रखा है कि दीज आर दी लिम्फेटिक वेसल्स एंड दीज आर दी लिम्फ नोड्स, ये ना गोल गोल दिखाई दे रही है। सो दीज ऑल वेसल्स वेयर लिम्फ इज अ फ्लूड, इट इज जस्ट लाइक ए प्लाज्मा ऑफ द ब्लड, ये फ्लो करता है और ये हमको बहुत डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। ये देखिए ए नॉर्मल लिम्फ नोड, ये देखो मैं कर्सर घुमा रहा हूँ ना, दिस इज ए नॉर्मल लिम्फ नोड, बट इफ देयर इज एन इंजरी, जैसे खट्टा खाने के बाद में या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, यहाँ पर गले में कोई इंजरी हो गई या कोई भी ऐसा हानिकारक सब्सटेंस ले लिया, तो ये लिम्फ नोड नॉर्मल से होकर फूल जाती है। इसके अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं डिफेंस की जितने भी मैकेनिज्म है काम करना शुरू कर देती हैं, और ये फूला हुआ हमें घबराना नहीं चाहिए। मेरे को याद है बचपन के अंदर जब भी टॉन्सिल कभी होते थे तो पेरेंट्स तुरंत जाते थे इलाज कराओ इसके बच्चे के पेन हो रहा है, वो नहीं करना चाहिए। देखिए टॉन्सिल्स को कहीं तो निकलवा भी देते मेरे ख्याल से, क्योंकि ये तो हमारे डिफेंस के हथियार है, ये हथियार है जिनकी वजह से हमारे जो ये बैक्टीरिया वायरस या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो नुकसान पहुंचाते हैं तो उनको रोकते हैं। So these are the lymphatic system that gives us defense. पूरा हमको defense provide करता है। ये हमारी पूरी body है। इस body के अंदर ये पूरा lymphatic system दिखा रखा है। देखिए जगह-जगह पर ये lymph nodes हैं। And these lymph nodes are helping for the defense. तो हम जो basic चीजें जो समझ रहे थे वो ये है कि heart कहाँ होता है, क्यों होता है, और इसके क्या क्या भाग है। मैं समझता हूँ बच्चों के समझ में आ गया होगा। इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन और इफ समबडी हैज रेज्ड क्वेश्चन प्लीज आस्क। जी सर, अभी तो हमारे पास कोई सवाल नहीं आया है, आप इतने अच्छे तरीके से हमारे सभी व्यूवर्स तक ये बातें पहुंचा रहे हैं। मैं बहुत श्योर हूँ कि उनको ये सारी बातें क्लियर हो गई, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसी बात है जो बच्चों को ध्यान में रखना है इस चैप्टर को पढ़ते हुए, या फिर वो इन फ्यूचर जो बातें याद रखें, तो सर क्या क्या ऐसे की पॉइंट्स हैं जो उन्हें याद रखना है? सर देखिए जो एक टेक होम मैसेज जो हम एट द फाइनल कंक्लूजन ऑफ द सेशन व्हाट वी डू दैट दिस ब्यूटीफुल हार्ट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ऑफ द ब्लड, ब्लड को पंप करके डिफरेंट पार्ट्स को सप्लाई करता है, वी शुड नॉट पुट एक्सर्शन, इस पर बहुत ज्यादा दबाव। दबाव किस तरह के आते हैं? व्हेन वी आर टेकिंग द जंक फूड, है ना, जंक फूड हम जब लेते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी तरह से जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मैंने आपको बताया था कि द ब्लड इज गोइंग टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये वाला, व्हेन ब्लड इज इम्प्योर कलेक्टेड इन द राइट ऑरिकल इट गोज टू द लंग्स। अब जा रहा है, आपके भी जा रहा है, बच्चों के जो भी देख रहे हैं जा रहा है। हमें एक अच्छे वातावरण में जहां पर कि प्योर ऑक्सीजन मिल सके, इम्प्योर ऑक्सीजन मीन्स द पॉल्यूटेड एयर के अंदर जब हम रहते हैं काम करते हैं, तो वहां पर क्या होता है रेणु जी कि व्हेन ब्लड इज गोइंग फॉर द प्योरिफिकेशन, देखिए ये प्योरिफिकेशन के लिए जा रहा है और ये प्योर होकर यहाँ पर आ रहा है, ये प्योर नहीं हो पाता है। सो वी हैव टू डू इन द मॉर्निंग और एट द टाइम व्हेन यू फील फ्री एक्सरसाइज, so that our blood gets purified again and we don't suffer from any disease. And we should have healthy food because the healthy food through the blood circulation, transportation जो है ना उसके जरिए हमारे सभी tissues को जाता है। इसकी सहायता से हम देखिए ये आपको पूरा जो हमारा system है वो इसलिए ठीक रहता है, we are working
perfectly. The life processes are going on perfectly because we have got a good transportation system. भले ही वो हमारे reproductive organs को या nervous system को, nerves do need some food substances. हमारी bones को भी calcium की जरूरत होती है, muscles को भी protein की जरूरत होती है. So transportation through a system that is known as circulatory system is very essential, and in this essential we'll have to pay attention कि हम नियमित रूप से अच्छी एक्सरसाइज करें, पौष्टिक खाना खाएं, जिसकी सहायता से हमारे अच्छे सब्सटेंसेस पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो सके, ट्रांसपोर्ट हो सके. जी, तो ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज है आप सभी बच्चों के लिए जो हमारे विशेषज्ञ आपको दे रहे हैं. तो आप बच्चों ये ज़रूर ध्यान में रखें और थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी आप अपनी डेली रूटीन में ज़रूर ऐड करें. और सर, क्योंकि हमें ये सेशन यहाँ पर वाइंड अप करना होगा, इसे समाप्त करना होगा, हम इसे आगे नहीं बढ़ा सकते. हम शर्मा सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपकी इस बेहतरीन जानकारी के लिए. थैंक यू सो वेरी मच सर. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार. नमस्ते सर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका. आपने इतने अच्छे तरीके से ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बीइंग्स, ये सारे प्रोसेस आपने हमारे सभी बच्चों तक बहुत ही सरल और सहज तरीके से बताए. और बच्चों, आई एम क्वाइट श्योर कि आप सभी को ये सारे तरीके अच्छे लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी. साथ ही जिस जिस तरह से वीडियोज़ के माध्यम से आपको ये बातें बताई गई, आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा. इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ट भी आपको पता चल गया, आपको बीपी के बारे में, हीमोग्लोबिन के बारे में पता चला. और अब समय है कि हम एक छोटे से ब्रेक पे जाएं. ब्रेक के बाद अपने एक और लाइव इंटरेक्शन के साथ हम हाजिर होंगे जो कि 10th 10वीं कक्षा के हिंदी के विद्यार्थियों के लिए है. तो आप उस सत्र में भी अपना साथ यूँ ही बनाए रखें. अभी फिलहाल मुझे रेणु भट्ट को दे अनुमति, आप बने रहें ई विद्या चैनल पर. नमस्कार.